इमाम जमा शांतिपूर्ण तरीका था जो हमारे भाई जो पंजाब वाले भाई हैं जो खनौरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं उन्हें लेकर पंजाब की तरफ जाने का हमारा ऐलान था, कूच का ऐसा ही था। बस प्रशासन बीच में या डीएसपी था, एसपी था, हमारी जो पंचायत चल रही है अरे बीच में गिरफ्तारी करने लग गया, जबकि भाई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, परलापन बैरिगेटा था, परलापन रहना चाहिए था। आड़ आए पाथ सब देख सको आप, जो घर दिखने लग रहे हैं ना प्रशासन ने भाई, हमारे जो 80-90 साल के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने लाठी डंडे मार रहे हैं, हम तो फिर भी हाथ जोड़े खड़े गए प्रशासन के पैर पड़े रहे, कोई नहीं जी, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मान्य भाई प्रशासन और बड्डा बड़ गोले दाग गए भाई। आप देख सको जितने भी घर दिखने लग रहे हैं ना, वो ज्यादा गोले पड़े हैं। एक तो 10 साल की गुड़िया छोटी जमाए उसका उड़ा सारी सेली पैट रही है, और भाई कम से कम सैकड़ों हमारे भाई घायल हो रहे हैं। जो रोडे देखने आ रहे हैं सारे प्रशासन के मारे हुए हैं, जो गाड़ी घोड़े तोड़ रहे हैं सारे प्रशासन के तोड़े हुए हैं। किसानों की तरफ तो कुछ गलत को नहीं करे, कुछ भी को नहीं है, कुछ भी जमा भाई। फिलहाल की बात करो तो हम खेड़ी चौपटा मौजूद हो, और कल इसी ग्राउंड में एक युद्ध चल पड़ा था, युद्ध था पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में, जहाँ पर हम देखा जब किसान जाने लग रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती एंट्री करके जो किसान नेता थे उनको गिरफ्तार किया, और हजारों की संख्या में जहाँ पर आंसू गैस के गोले और जो वाटर कैनन थे वो किसानों पर बरसाने का काम किया था, बहुत सारे किसानों के चोटे भी आई हैं। फिलहाल बबलू निर्जुन मरगला मौजूद है, और आपने बताया एक देशद्रोह का मुकदमा इसके ऊपर लग रहा है, पूरी बातचीत करा देंगे। नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई, सारे भाई और जय किसान भाई। भाई साहब बात करी जावा, कल यहाँ एक युद्ध का मैदान तैयार हो गया था, तैयार हो गया था, क्या कुछ लगा, किसी गलती रही होगी? भाई माम जमा शांतिपूर्ण तरीका था जो हमारे भाई जो पंजाब वाले भाई हैं जो खनौरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं उन्हें लेकर पंजाब की तरफ जाने का हमारा ऐलान था, कूच का ऐसा ही था। बस प्रशासन बीच में या डीएसपी था, एसपी था, हमारी जो पंचायत चल रही है अरे बीच में गिरफ्तारी करने लग गया, जबकि भाई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, परलापन बैरिगेटा था, परलापन रहना चाहिए था। आड़ आए पाथ सब देख सको आप, जो घर दिखने लग रहे हैं ना प्रशासन ने भाई, हमारे जो 80-90 साल के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने लाठी डंडे मार रहे हैं, हम तो फिर भी हाथ जोड़े खड़े गए प्रशासन के पैर पड़े रहे, कोई नहीं जी, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मान्य भाई प्रशासन और बड्डा बड़ गोले दाग गए भाई। आप देख सको जितने भी घर दिखने लग रहे हैं ना, वो ज्यादा गोले पड़े हैं। एक तो 10 साल की गुड़िया छोटी जमाए उसका उड़ा सारी सेली पैट रही है, और भाई कम से कम सैकड़ों हमारे भाई घायल हो रहे हैं। जो रोडे देखने आ रहे हैं सारे प्रशासन के मारे हुए हैं, जो गाड़ी घोड़े तोड़ रहे हैं सारे प्रशासन के तोड़े हुए हैं। किसानों की तरफ तो कुछ गलत को नहीं करे, कुछ भी को नहीं है, कुछ भी जमा। 5 से 6 बार झड़प हुई है, एक बार किसान आग आए, एक बार पुलिस प्रशासन आग आया, कहीं ना कहीं जो चोटें किसानों बहुत ज्यादा लग रही है। भाई माम तो सिर्फ आग गए पत्थर ले कौन जावा दे, माम तो आग गए सिर्फ खनौरी बॉर्डर कहीं कूच कहीं जावा थे, वो पत्थर मारे थे, आंसू गैस के गोले मारे थे, हैं तो माम तो जावा थे, वह तो भाई जबरदस्ती कर रहे हैं। या सरकार देखोगे ना भाई, इतनी मार्मिक तरीका था मारन लग रही है, हमने आतंकवादी खालिस्तानी हमने कहने लग रहे हैं, मेरे नेशनल लेवल का इन्हें मुकदमा लगा दिया। हाँ भाई, जो आतंकवादियों को ऊपर लग गया करें, इतने तगड़े तगड़े इन्हें मुकदमे लगा रखे हैं, बता कसूर के था हमारा, मेरा इतना कसूर होगा सिर्फ मेरे अपने हक हाथ लड़ने लग रहा हूँ। हाँ भाई, क्यों भी तो मांगता कौन सरकार था, या तो 30,000 करोड़ रुपये अंबानी के माफ कर सकें, हमारे 5,000 रुपये माफ को नहीं होंगे, हमारे तो ये 5,000 रुपये हमारे ट्रैक्टर कुड़ कर लिए जाओ, हमारी जमीन कुड़ कर ली जाओ। अब की बार बता दें भाई, जिस तरह पहला जीते ना इस देश का किसान, अब की बार भी जीतेगा, 7.5 हमने पहला दी, अब की बार 7.5 करोड़ भी साथ देने का तैयार है इस देश का किसान ने, इसका जो अक्स नहीं हो चाहिए, जो 75 साल तो जो हम गुलामी की जो जिंदगी जीने लग रहे हैं, इस तरह आजादी चाहिए भाई, संपूर्ण आजादी। बात करो तो जो देश द्रोह का मुकदमा लगा है वो स्पेशल तौर पर आरोप लगा कि भाई लोगों को भड़काने का काम आप कर रहे हो, खनौरी बॉर्डर पर बहुत सारी वीडियो आपने जारी करी है जिसमें आप आह्वान कर रहे हो भाई किसान इकट्ठा हो जाओ, इस कारण से लगाया गया, और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो आपकी तलाश भी लग रहा है। इब्नू बताओ मेरे भाई, एक बात पूछूंगा आपने, मैं कह दूँ भाई इकट्ठे हो जाओ सारे, हैं मैंने कुछ मतलब नो तो कौन कहा, गोली मारो, बम मारो, फलान मारो, डिमके मारो, बस इसे पर ला देंगे, बटले करूँगा भी कहने लगा छाती ठोक के भाई खेड़ी चुपटा है जो जितने घर बैठे हैं, यह बात कही होंगी, इसे को प्रदेश द्रोह का मुकदमा लगा दिया। सरकार आवाज़ दबना काम करने लग रही, जितनी आवाज़ दबेगी उतनी आवाज़ लगड़ के आओगे तो मुकदमे लगाने लग रहे हैं, छाती में गोली मार लियो, गोली खाने खतरे भी तैयार हैं। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से हमारे धरना चला रहे हैं, और हमारा चलता रहूगा, खनौरी बॉर्डर पर जावा जावाँगे, खनौरी बॉर्डर पर दिल्ली जाऊँगा, मेरे पंजाब वाले भाइयों लेकर। अरे एक हमारा वो अर्शदीप भाई जो पंजाब वाला था उसका इन्हने पूरा गोली मारी, शर्म आनी चाहिए 347 की, जो सिर्फ आर्मी यूज करया करे हैं, उस भाई के इन्हने शर्म गोली मारी, उसका कसूर के था हैं, बड़ा बड़ मारे कम से कम 1,000 सैकड़ों भाई मारे इन्हने घायल कर रखे हैं, कम से कम भाई 8-10 डेथ रो उसका है, इतनी तकड़ी चोटें लग रही हैं। और भाई सरकार ने खुला चैलेंज करा, हम तो इस देश का किसान ने इसका हक चाहिए, हमने बहुत जी ली, 75 साल तो गुलामी की जिंदगी जीने लग रहे हैं, जब एक 5 रुपया पड़ ले जी का बिस्कुट के ऊपर कंपनी तय करें अपना रेट, तो हम भी अपने अपनी फसल का रेट खुद तय करांगे,
ना कि ये जो बीच में बिचौलिए बैठे हैं। अरे जीरी लेकर जाओ मंडी में, हैं तीन बार उछाला है नू, उसका रेट ये तय करे हैं। हाँ भाई बिस्कुट है पैकेट दिया हम दुकान को, दुकानदार तय करे उसका, मार बाप उस दिन तक की फसल का रेट लगाना केन लगाना, किसान आत्महत्या करने लग रहा, मरण लग रहा, सरकार में हमने मारण लग रही। प्रताप भाई बात करा तो कल जब असुगोस के गोला की बरसात हो रही थी, जब मैदान में पड़न लग रहे थे, लेकिन बहुत सारे गोले जो आसपास में मकान है, मकान मेरे भाई मैंने कुमार कम से कम मारी कई तो काकी ताइया का लग रही है, गोले जाके देखो ना किसी सेली पैट्रिक से असर पैट रहा है। हम भाई कई तो सालम पड़े हैं, हैं देव ना जवाब इस प्रशासन इसका, उन घर आना तो कसूर को नहीं, हम तो प्रोटेस्ट करे, हमारा तो कसूर में मायने रही सरकार, उन घर आना तो उन घर आने गोले मारे बगा बगा, घर हम तुआई पकड़ पकड़ के लाए हैं, लुकाई सर फोड़े इन। हाँ भाई गुंडागर्दी तानाशाही कर रहे हैं भाई, जमा गुंडागर्दी, शायद इनता अच्छा तो हिटलर था। हाँ भाई इनता सही तो हिटलर था, उसने अपना देश में तो गलत कौन कर, जो भी कराया उसने बहरे कराया होगा, हैं ये तुम्हारे गलत गलत करने लग रहे मेरे भाई। अरे भाई इसका जवाब देंगे, अरे बढ़िया तरीका देंगे, दिल्ली जावांग दिल्ली मारी है, कट्टर नुकन लग रहा है, तुम ट्रक ट्रली ले क्यों जाओ हो, हैं वैसे चले जाओ बटे हुआ इतर जायज भेज दे, बटे जायज बिक जाएंगे भाई, मामला दिल्ली जाना सीधी बात है, मामला तो अगर जी सरकार आड़ मारे हक मानना जो मामा बात मनवाने खातर रह रहे हैं, सरकार मामला मारे हक दे दो वापसी अपने घर चले जावांगे, और जब दिल्ली जी करेगा नहीं दिल्ली जी करा, जब दिल्ली जावांगे सरकार ने 5-5 फुट के बैरिगेटिंग लगा रखी है, माम तो नुकहाँ 50-50 फुट की कर दो बैरिगेटिंग, बैरिगेटा ने हमारे जो ट्रैक्टर ने टैंक भर गए हैं एक मिनट में ले जाए पैड़े का, नहीं तो 5 दिन लग गए बैरिगेट लगाने, हम सिर्फ 5-6 मिनट में खड़े देंगे बैरिगेटा ने। कहीं ना कहीं कल की हम बात कर रहा जो घटना इस ग्राउंड के अंदर घटी है एक कड़वा है, लेकिन सवाल है कि भाई कहीं ना किसान नेता थे उनके हाथ से जो नियंत्रण था, जनता का नियंत्रण था, किसानों का नियंत्रण था, वो खोया हुआ नजर आया, क्योंकि किसान बार बार शांति की अपील कर रहे थे लेकिन भिड़ते एक बहुत जबरदस्त 5 से 6 बार भाई वो खोया नेत्र तो हमारा खोया कौन था, नेत्र तो हमारा पकड़ लिया ने गिरफ्तार कर लिया, हमारे 16 किसान जो हमारे भाई जो आगू जो नेता हमारे इनने वो गिरफ्तार कर लिए, बाकी जो फिर भी कोई नहीं हुआ, जो किसान जो आम किसान थे मतलब हमारी तरफ तो कोई पत्थरबाजी नहीं हुई ना कोई तोड़ फोड़ करी, जो भी करी प्रशासन ने करी, आंसू गैस के गोले इन्हें चलाए, इन्हें गोली भाई कम से कम है ना 20 तो गोली चला रही है प्रशासन ने, खोल पड़े जाके देख लियो अब 315 के 12 के हैं 32 के खोल पड़े हैं, गोली चलाई इन सरेआम जमा है, हमारी तरफ तो ना कोई पत्थरबाजी हुई ना हमने कि मैं तोड़ फोड़ करी, माम खंदोरी कहानी थोड़े चालना दे आ गए 100 मीटर ये फिर गोली दाग दें दे हम उरे बैठ गए थे, फिर बस हमारी तरफ तो कोई तोड़ फोड़ नहीं, जो नुकसान कराया प्रशासन ने कराया है, अरे भाई हमारे कई भाई घायल हो रहे, सैकड़ों भाई तो इन हमारे घायल करें, किसी के नाक कट गई, किसी का कान कट गया, किसी का सर पैट गया, इसका जवाब किसके पास है। हाँ भाई जी धन्यवाद धन्यवाद भाई। कल का बताऊँ तो एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान जो ग्राउंड में फिलहाल खेड़ी चौपटा खड़े हैं बन गया था, और जो ट्रैक्टर बाहर की तरफ जाने लगे थे ऐसा लगा था कि भाई कहीं ना कहीं जो ग्राउंड में किसान जमा थे वो बाहर चले जाएंगे और एक मैदान छोड़ देंगे, एक बार फिर से जो किसाना मेला है उसी ग्राउंड के अंदर जम गया है जी। एक बात और, जितना दबाने की कोशिश करेंगे ना आड़ा है ना हर आदमी भगत सिंह है, जितना दबाने की कोशिश करेंगे, जितने मारने की कोशिश करेंगे मरण में तैयार से, जितना दबाने की कोशिश करोगे ना और गुना उभर आएंगे। ये बता दें जो कल जो घटना जो प्रशासन ने करी है ना दोबारा गलती ना कर दिया करने की, आज भाई कम से कम 50,000 आदमी बटले हो रहे हैं खेड़ी चोपटा के अंदर भाई। फिलहाल जो ट्रैक्टर बाहर की तरफ थे वो अंदर आ चुके हैं और अपना जो खान पीन का सामान है पक्का मोर्चा है खेड़ी चोपटा के अंदर लगा लिया है। बाकी भाई आप कमेंट करके बता दियो, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो, इसी के अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।